तक हम लोगों ने संपूर्ण संविधान का जो सिलेबस चल रहा था, जो मैराथन क्लास चल रही थी, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। संपूर्ण संविधान में हम लोग कल मूलाधिकार को अनुच्छेद 32 के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज से जो हम लोग को पढ़ना था वह भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड संविधान से लिया गया ना, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और इसके लिए मान लीजिएगा, ये अगर कभी आता है कि थोड़े बड़े प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न ये होगा, ये वाद्य योग्य नहीं होते। ये वाद्य योग्य क्या होता है? वाद्य का मतलब ये होता है, जैसे यदि आपके किसी भी मूलाधिकार का हनन होता है, तो इन्हीं 5 जो कल हम लोगों ने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट दायर कर सकते हैं, यदि किसी भी अधिकार का आपका हनन हो रहा है। जबकि नीति निर्देशक तत्व मंदिर का उस प्रसाद की भांति है, यदि आपको, जैसे इस पुजारी ने आपको 4 दाना दिया, रामदाना अगर इनको 2 दिया, आप कह नहीं सकते सर इनको ज़्यादा क्यों दिया, हमको कम क्यों दिया, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह ये सरकार की वही योजना है, जैसे एक सरकार आपकी आती है लैपटॉप देकर जाती है, तो सरकार बंद कर देती है। एक सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, तो सरकार बंद कर देती है। फिर एक सरकार आती है किसानों को 2000 रुपया देती है, 500 रुपया पर माह के हिसाब से, फिर वो अगली सरकार आएगी बंद कर देगी, फिर एक सरकार आती है मनरेगा। मतलब सरकार की जो योजनाएं होती है, कल्याणकारी योजनाएं, वे सरकार के ऊपर होती है। मानिए कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ये सरकार के ऊपर होती है, चाहे सरकार दे चाहे सरकार ना दे। ठीक, मतलब उसके ऊपर हम जबरदस्ती नहीं ले सकते, आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमें लैपटॉप दीजिए। ठीक, ये उनका क्या होता है? स्वयं का अधिकार होता है। ठीक, इसका सरकार का। लेकिन अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हम जबरदस्ती छीन सकते हैं, मतलब वाद्य योग्य है, हम न्यायालय की शरण में जाकर हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 38, ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब 39 क, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में की गई है। निःशुल्क विधि सहायता, यदि आपके पास अगर वो नहीं है तो आपको निःशुल्क विधि सहायता, माने आपको जो न्याय मिलेगा, जो सहायता मिलेगा, वो निःशुल्क मिलेगा पूरी तरह से। और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39 कम की गई है, यदि कोई व्यक्ति समान काम कर रहा है उसे वेतन भी समान मिलना चाहिए। फिर आगे अनुच्छेद 39 ख की बात करते हैं, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोन्नत साधन हो सके, मतलब सबका विकास हो सके। मैंने जो सार्वजनिक धन आता है उसको इस तरह से व्यय करना है ताकि जो विकास हो वो सामाजिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ग विशेष या वर्ग का हो। फिर धन का समान वितरण, इस पर आते हैं अनुच्छेद 39 ग, धन का क्या करना, समान वितरण करते हैं। अब इसमें बताएंगे, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उसकी व्याख्या बाद में करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास मैराथन क्लास है, इसमें इतने ज़्यादा बहस करके आपका समय नहीं गवाना चाहेंगे हम। फिर आते हैं 40, 40 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें लिखा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशा में। ठीक, काम शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आते हैं 42, 42 महत्वपूर्ण है, काफ़ी दिन से लगातार विवादित भी रहा है, काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। ठीक, उसी ज़्यादा व्याख्या नहीं करने का है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, कामकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये इसमें व्याख्या की गई है। ये अनुच्छेद 44 काफ़ी विवादित रहा, इसको जान लीजिएगा, इसे यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता, ये कहाँ है? ये आपके अनुच्छेद 44 में है। ठीक, ये केवल गोवा राज्य में अभी तक लागू है, अन्य किसी राज्यों में ये नहीं लागू है। अब आते हैं अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, अब पहले 45 का जान लेते हैं, 45 का क्या है, 21 का क्या था? निःशुल्क शिक्षा हमारा मूल अधिकार था, यहाँ 45 का में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य सरकार शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था करेगी। ठीक, अब अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगी। फिर आते हैं अनुच्छेद 47, ये इंपॉर्टेंट है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, हाँ भाई, पोषाहार इसी के। और ठीक, अब आगे पढ़ते हम लोग। हाँ, वो एनसीएफ में कहा गया, लेकिन इसके आधार पे देते हैं। ठीक, अनुच्छेद 48, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। फिर
49 का ये महत्वपूर्ण है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा, वन एवं वन जीवों की रक्षा, ये कहाँ दिया गया है, 48 का में दिया गया, 49 भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक, 51 का मूल कर्तव्य, 51 का मूल कर्तव्य, ठीक, जो कहाँ से लिया गया है, रूस रसिया के संविधान से, इतना जल्दी भूल जाएंगे आप लोग, कल ही तो पढ़ाए थे, ठीक। आते हैं संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं होंगी, अनुच्छेद 53 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये फिर 78 में जाके फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, 78(1) में अभी आगे मिलेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, मैंने कल बताया था आप लोग को, ठीक, वह उसका सदस्य न होते भी उसकी सदस्यता करता है, ठीक, उपराष्ट्रपति रहना तो उसे वेतन भी नहीं मिलता, जो वेतन भत्ता प्राप्त होता है उसे किस लिए मिलता है, उप राजा सॉरी पदेन सभापति होने के नाते, लेकिन जिस समय राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है राष्ट्रपति के न रहने पर, उस समय उसके वेतन भत्तों का उपभोग करता है। फिर 74 अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 76 इसमें कहा गया है महान्यायवादी की नियुक्ति उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझते तो, माने राष्ट्रपति कार्यों को पूरा करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति कार्यों में मदद करेगी, ठीक। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक। और आगे बढ़े, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खाली पढ़ना है बस, क्या है महाभियोग, महाभियोग क्या है, देखिए सुन लीजिए, महाभियोग आपने शब्द का उच्चारण करा दिया, अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग है, जो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगता है यदि वह संसद द्वारा या कानून का वो पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर संसद किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में 1/4 से एक मत पारित होगा कि क्या राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसकी जांच करने के लिए क्या करेगा, एक टीम बनाएगा, किसी अपने शीर्ष अधिकारी को भेजेगा, और अगर वह नहीं साबित कर पाता 14 दिन के अंदर तो फिर क्या होगा, इस सदन में 1/2 से अगर पारित हो जाता है क्या महाभियोग, तो फिर अगले सदन में जाएगा। यदि दोनों सदनों से महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है, राष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत करना होगा या उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी, उसके बाद पुनः उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पुनः चुनाव किया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति ना रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा हो चुका है, निजाम क्या नाम था उनका, बता रहे 85 घटना है, हिदायतुल्ला एम हिदायतुल्ला जो मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन किया था, एम हिदायतुल्ला वो भी ना रहे तो उसके बाद शीर्ष न्यायाधीश जो उसके नीचे जो आएंगे, ठीक। और कुछ पूछना है, आगे बढ़े, अनुच्छेद 110 धन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अच्छा अनुच्छेद 108 भी लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 108 क्या है कि यदि कभी किसी विधेयक को लेकर अगर आपस में विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को शक्तियां नहीं प्राप्त है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया राज्यसभा के पास गया राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर नहीं पारित करती है तो पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करना चाहती है तो उसकी सिफारिश करेगी, माने या ना माने ये किसके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर है, तो कह सकते हैं धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा की अपेक्षा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट को पेश किया जाएगा, जो बजट पेश होता है, ठीक। 123 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।
ठीक। और एक इसमें भी हम जोड़ सकते हैं कि 129 में लिखा गया है, 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, ठीक। फिर आते हैं अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। और 123 जानते रहिएगा, अध्यादेश जारी तभी किया जा सकता है जब जब सत्र में हो ना भी हो, उस समय यदि किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके पारित कर सकता है। जो अध्यादेश की जो पावर होती है वो अन्य संविधान की भांति होती है, जो अन्य संसद द्वारा जो संविधान पारित किए जाते हैं जितनी पावर उसमें होती है उतना अध्यादेश में भी होती है, किंतु अध्यादेश की एक लिमिटेड अवधि होती है, उसके बाद अध्यादेश यदि दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाता सदा अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ठीक। कोई विधेयक सबसे पहले पेश करता है, साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, यदि राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देगा तो विधेयक क्या हो जाता है, कानून बन जाता है, और उसे वापस कर दिया तो पुनः यदि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए बाध्य है। धन विधेयक राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता, क्यों, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही पेश की जाती है परामर्श लेने के बाद, इसलिए धन विधेयक के क्षेत्र में राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस नहीं कर सकता पुनर्विचार के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 148 महत्वपूर्ण है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक। अनुच्छेद 76 में लोगों ने क्या पढ़ा था, महान्यायवादी की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में क्या था, महान्यायवादी की नियुक्ति थी, और यहाँ पे क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 में। 163 क्या है, राज्यपाल में कार्यों की सहायता के लिए सुझाव, ठीक। अभी राष्ट्रपति कार्यकाल इसको छोड़ देते, भी आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषद की रचना उसकी समाप्ति करना, यह काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में 7 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी आपके विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद राज्यों में रचना करना उसकी समाप्ति करना यह अनुच्छेद 169 में वर्णित है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 213 क्या है, हम लोगों ने क्या देखा कि अनुच्छेद, हम लोगों ने देखा था ना कि अनुच्छेद जो है 123 से राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, संपूर्ण देखिए, एक अनुच्छेद जो 123 है, अनुच्छेद 123 फिर अनुच्छेद 213, इसमें एक छोटा सा अंतर है, क्या अंतर है कि यह राष्ट्रपति जारी करता है, यह राज्यपाल, अध्यादेश दोनों अध्यादेश ही सकती है लेकिन एक राष्ट्रपति जारी करता है और एक राज्यपाल, 123 से जो है, हाँ 123 से राष्ट्रपति जारी करता है और 213 का राज्यपाल। ठीक, वहां पे क्या था, 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना था, ठीक, और 124 में उच्च न्यायालय, इस समय वर्तमान में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो 24 हो गई है, उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट कहते हैं, इसकी संख्या कुल 24 है, कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों की भी एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकती है, और देश में सर्वोच्च न्यायालय एक है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 226, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति, वहां अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को था और यहां पे उच्च न्यायालय को है, ठीक। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पे की जाती है, जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श पर, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर किया जाता है। फिर अनुच्छेद 235, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय है, अनुच्छेद 235, छोटे न्यायालय नियंत्रण किसमें है, क्या, अच्छा ये होता है एक सोपान होता है, देखिए बताएंगे काफ़ी लंबा चला जाएगा, कुछ खींच जाएगा, नहीं तो हम आपको बताते हैं। जैसे ये सोपान होता है, शीर्ष में होता है सुप्रीम कोर्ट एस सी, उसके नीचे जो बढ़ते जाते हैं तो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये आपका हाई कोर्ट है, मान लीजिए अगर एस सी है तो इसके अंडर में क्या होंगे, अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय, ठीक। अगर कोई फैसला अगर दिया तो उसको क्या करेंगे, ये अमल करेंगे, उसी आधार पर अपना फैसला देते हैं, ठीक। अनुच्छेद 248,
245 अभी ना, 43 अभी, 243। इसमें पंचायत, देखिए ये बहुत मोड़ है, 243। इसमें क्या क्या है, इसमें पंचायत एवं नागरिकता, सॉरी पंचायती एवं नगर पालिका, गठन संरचना आरक्षण शक्तियों का प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। मगर नगर पालिका और ग्राम पंचायत इनका जो संरचना संरक्षण और आरक्षण इन सभी की व्यवस्था अनुच्छेद 243 में की गई है। ठीक, 245 संसद संपूर्ण देश है उसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 245 में, मतलब संपूर्ण देश के लिए किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, विधि निर्माण के संबंध में संसद को शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यह राज्यसभा के एक अतिरिक्त शक्तियों में से एक है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यह 249 के लिए एक महत्वपूर्ण है, राज्यसभा के पास को विशेष बहुमत से किसी भी राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने के लिए दे सकती है। अनुच्छेद 262 अंतर राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल वितरण का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये नहीं है, वो दूसरा, ये कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, ये वहां संबंधित है। अनुच्छेद 300 का, ये आप जानते हैं पहले से ही, आपको बता चुके हैं, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 का में सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। पहले एक मूल अधिकार था, इसे हटाकर अब कौन सा अधिकार बना दिया गया, वैधानिक अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 312 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना या अनुशंसा कर सकती है। अखिल भारतीय जैसे IAS, PCS, IFS, IES, जो IES जैसे बाद में जुड़ा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो ये राज्यसभा के पास है पावर। विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना या अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 ये भी महत्वपूर्ण है, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में दिया गया है। ये 324 ये भी महत्वपूर्ण है, चुनाव का पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान इसमें, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं आप, ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके बाद चार अन्य आयुक्त तो होते हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। जिसमें जो चुनाव होते हैं 18 साल जो आयु है उसी के आधार पर होने हैं, एक बात। दूसरी बात, जो चुनाव होते हैं लोकसभा हो, राज्यसभा, विधान, कोई भी चुनाव हो, वो सदैव भारत निर्वाचन आयोग ही संपन्न कराती है। लेकिन ग्राम पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराती है। उसको छोड़कर देश के सभी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग ही संपन्न कराता है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत का, हाँ बताइएगा आप लोग वर्तमान समय में, हाँ हाँ सही जवाब है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण, ये भी पूछ चुका है PCS वाले में, लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के जो आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 331 और 333 देख लेते हैं। देखिए 331 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनय करना, किसमें है ये 31 में, और विधानसभा में 333। केवल SC ST की बात करेगा 330, और आंग्ल भारतीय की बात करेगा लोकसभा में 331, विधानसभा में बात करेगा 333, 333। अच्छा 332 के अनुसूचित जाति जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण, अच्छा 332 में क्या है विधानसभा में आरक्षण और 333 में आंग्ल भारती। ठीक, 32 ऑर्डर में, हाँ लोकसभा। अनुच्छेद 335 SC ST OBC के लिए सेवाओं में आरक्षण, ठीक ये 335। अनुच्छेद 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय 300 का जनजाति आयोग का गठन करना। 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना। 343 यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़े भी होंगे, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी होगी। ठीक। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 351, हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य का नीति तत्व एक ऐसा चक्र है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन है शाखा है, केटी शाखा है। चलिए, अच्छा, मौलिक अधिकार नीति निषेध तत्व में अंतर क्या है? यह है, यह आयरलैंड संविधान से लिया गया है, मौलिक, हाँ आयरलैंड से लिया गया, और वो अब अमेरिका से लिया गया। आपका मूल अधिकार, इसका वर्ण संविधान भाग 4 में, नीति निषेध तत्व का वर्ण 4 में है, मूल अधिकार का वर्ण 3 में है। यह समाज के भलाई के लिए होता है नीति निषेध तत्व, और मूल अधिकार किसी व्यक्ति की भलाई के लिए होता है। इसमें इसमें राजनीतिक मान्यता है, किसमें? नीति तत्व में। मौलिक अधिकार पीछे कानूनी मान्यता है, भाई कोई सरकार आएगी तो किसी को लैपटॉप देगी, किसी को नहीं देगी, लेकिन जो सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, सबके लिए समान बनाएगी। अनुच्छेद 358 संसद को संबोधित, संविधान किसी भी भाग का संशोधन का अधिकार है। 368 संविधान किसी भाग में संसद को, 368 है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु उसकी मूल भावना को ठेस ना, अफ्रीका से, लेकिन उसकी मूल भावना को ठेस ना पहुंचे। 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा। ठीक। फिर अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि। अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। ठीक। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा उसके अन्य पूरक अधिनियमों के, जिसे किसी भी कौंसिल स्वेच्छाधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। ठीक। हाँ, 370 में 270 कुछ विशेष नहीं है, कोई वहाँ पर क्या है, कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है, वित्त से संबंधित होगा। नहीं, 370 में अलग से प्रावधान, विशेष राज्य का दर्जा है, उसके लिए अलग कानून बनाने, उसे ही तो अपवाद है 35 का, और 370 वहाँ के लिए विशेष उपबंध करता है। और एक आपके पास राष्ट्रपति की है लिस्ट है, जो वो नहीं, इतनी जल्दी नहीं हटेगा, तो रामनाथ कोविंद बताएंगे अभी। ठीक है, अभी बता रहे आपको, रामनाथ कोविंद इस समय वर्तमान है, व्यक्तिक्रम के हिसाब से 14वें राष्ट्रपति हैं, और ये 25 जुलाई 2017 को इस समय कार्यरत है। पहले राजेंद्र प्रसाद हैं और राधाकृष्णन ने, पूरा आपको लिस्ट आपके पास है, आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, और कोई समस्या? ठीक। तो ये संपूर्ण संविधान के जो अनुच्छेद प्रमुख थे, मैंने व्याख्या करने का पूरा प्रयास किया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूटती गई, तो प्रयास करेंगे, और इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे संपूर्ण संविधान का, जिसमें और व्याख्यात्मक हल करेंगे, और प्रयास करेंगे और बढ़ाने से, राज्यपाल को तोड़कर बताना, विधानसभा लोकसभा कानून कैसे बनना है, राष्ट्रपति क्या कार्य है, और मंत्रिपरिषद का क्या काम है, मंत्रिपरिषद किस प्रकार लोकसभा, अच्छा एक बात जानते रहिएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्यों उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह किसी व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेता, क्योंकि वह पहले से शपथ ले चुका होता है, और जो भी केंद्र की नियुक्तियां होती हैं, याद रखिएगा, वो सबकी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, और राज्य की बात आती है तो आप सीधा लगाइएगा किसको, राज्यपाल को। ये कुछ चीज़ें से लॉजिक है, जो आप लगाएंगे तो 80% आपके प्रश्न सही होंगे, और ज़्यादातर प्रश्न तो इसे राष्ट्रपति से घुमा के आता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का नायक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, बिना उसके हस्ताक्षर कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वह बिना पेदी का एक लोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ जानते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं घर में नाम पुरुष का होता, चलती किसकी है, महिलाओं की चलती है ना, सही बात है ये, हाँ जरूरी नहीं है, नहीं लेकिन चलता होता है, इससे शुरुआत नहीं होगा, कुछ दिन बाद पुराना होगा तो शायद चलने लगेगा, अच्छा सबसे सबकी बात कर रहे हैं, तो इसी तरह राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति बेचारा नाम मात्र का होता है, इसे कहते हैं रबर का स्टाम्प, जब चाहे वो जहाँ चाहे वहाँ, संसद में क्या मंत्रिपरिषद और लोकसभा, वो जिधर चाहे उधर घुमा ले। संविधान में ऐसा बनाया भी गया ताकि कोई व्यक्ति पूरी तरह से निरंकुश ना होने पाए, उसमें कुछ चीज़ें जैसे हम छोड़ते हुए चले गए आपातकाल को बंद, अच्छा आपातकाल बता दें, आपातकाल छोड़ गया, आपातकाल है भारत में तीन प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356, 360। 352 क्या है, ये 352 को देखिए बाद में संशोधन किया गया,
44वें संविधान संशोधन 1978 में। उसका कारण क्या था? पहले था किसी बाह्य युद्ध आक्रमण और आंतरिक अशांति की वजह से किसी क्षेत्र या क्षेत्र विशेष में हम क्या कर सकता है, क्या लगा सकते हैं, हम आपात घोषित कर सकते हैं। ठीक, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। 352 356 क्या है? जब राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक, इसमें जम्मू कश्मीर अपवाद है, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो 360 क्या है? वित्तीय आपात, जो आज तक अभी तक भारत में नहीं लगा है कभी, लेकिन 356 लग चुका है लगभग अभी तक। 133 बार 356 का प्रयोग किया जा चुका है। 133 बार तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? ठीक, ऑप्शन हम दे रहे हैं 8, 9, 10, 11। और सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो इस तरह के तमाम ढेर सारे सवाल ऐसे हैं, और जो चीज़ छूटती गई हैं मैं प्रयास करूंगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 142 मैंने छोड़ दिया, शायद नहीं बताया। अनुच्छेद 142 में क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, वो आप बताइएगा, इसलिए मैंने तो क्वेश्चन आपको दे दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा है। ठीक, और पूरे देश में लगभग 133 बार, अभी 132 तक शायद एक बढ़ा है, 133 हो गया है। ठीक, हो सकता है अगर मैं भूल चुका हूँ तो 34 या 35 हो सकता है, बस मतलब एक दो आगे पीछे, थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन 133 ही है शायद, क्योंकि 132 था हमने एक जोड़ लिया है। और कुछ छूटा हुआ है? और बाकी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? अभिभाषण कैसे होता है? संसद का समापन कितना होता है? संसद के 3 सत्र होते हैं, सत्र कब कब होते हैं? 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, और आदर्श आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता किस प्रकार प्रभावशाली होती है? आचार संहिता का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुकुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव में अगर वास्तविक सुधार देखा जाए तो TN सेशन ने किया था। वैसे बहुत सारे लॉजिक है, लेकिन यह आपकी गुण क्लास तो नहीं है कि मैं इसे विस्तृत व्याख्या करूं, लेकिन मैंने एक बार क्विक रिविजन कराया ताकि आप पहुँच सकें। पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण देने का प्रावधान, महिलाओं को आरक्षण देना है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है आपके, 50% बिहार है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण देता है पंचायती राज व्यवस्था में। उसका उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं को इक्वल करना या बराबर करना, जबकि क्या होता है तो आप बेहतर तरीके जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जो प्रमुख कार्य है, जो पंचायती राज व्यवस्था चाहता है, वह यह चाहता है कि लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष दर्शन हो जनता द्वारा करने का सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 11वीं सूची 12वीं सूची अनुच्छेद 343 में भी उसको जिक्र है, और 93वां संविधान संशोधन 92वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस भी आप जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बिहार में 50% पंचायती राज व्यवस्था में, अभी कहीं हम नहीं बता सकते, हमें बिहार ही जानते हैं, अभी देख लेंगे क्योंकि हाल का अभी मैं नहीं पता। और जयललिता तमिलनाडु की थी, अच्छा ठीक है। और कुछ पूछना आप लोग को? अभी हाल ही के ये चुनाव का पर्व भी चल रहा है, और होली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे ये होली आपके लिए इतनी सफल होली हो जाए कि अगली होली आपके घर रंगों की उस भांति ढेर सारी खुशियां की बौछार लेके आए, कि आप अपने उस बुलंदी पे हों जिस ख्वाब को आप लगातार देखे सजो रहे हैं, मतलब आप सफलता की उस दहलीज पे खड़े हो जाए अगली होली तक, ताकि आपको लगे कि आपने वो किया जो आपने उम्मीद की थी। तो इसे बेहतर करने के लिए ज़िंदगी का बेहतर दीजिए, और आपको पुनः हमारी पूरी संस्थान की तरफ से, लर्निंग विद दुर्गेश की पूरी टीम की तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं। और इस वीडियो लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को तक संविधान की पूरी भी पहुँच जाए, और मैं प्रयास करूंगा एक वीडियो और बनाऊंगा जिसे पूरी व्याख्या करूंगा। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, न्यायाधीश क्या होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अध्यस्थ न्यायालय क्या होता है, लेख न्यायालय क्या होता है, इन सभी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। और कम से कम संसद को पढ़ने में कभी कभी समझ लें, संसद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कल मैं एक वीडियो लेके बता दूंगा, क्योंकि वहाँ से पूछते हैं आयु से लेके, राष्ट्रपति बनने की आयु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लोकसभा सदस्य बनने की 25 वर्ष है, विधानसभा बनने की 25 वर्ष है, विधान परिषद की 30 है, और राज्यसभा की 30 है, राज्यपाल की 35 है। ठीक, और अधिकतम की यहाँ कोई व्याख्या नहीं की गई है। ठीक, कोई व्याख्या नहीं की गई। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट के 60 है, लेकिन 65 के लिए पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। उच्च न्यायालय 62 है और सर्वोच्च न्यायालय 65 है।
तो इन सभी को भी अब देख लीजिएगा और बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे आके पैरेलल आपको बता देंगे। और ज़्यादातर कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, विधान परिषद और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का है, बाकी सबका 5 वर्ष का है। और जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा है वहाँ कार्यकाल 6 वर्ष का है। एक बात, दूसरी बात, वहाँ पे जो विधान परिषद की संख्या है वो 36 है, जबकि न्यूनतम 40 होनी चाहिए, अर्थात 1/3 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कुल 100 है और कुल लोकसभा की सीट है 543। अभी चुनाव होने इसलिए पूछ सकता है, 543 है जिसमें राष्ट्रपति 2 मनोनीत कर सकता है, 545 हो गए। उसमें से भी अगर लोकसभा का देखा जाए तो लोकसभा में 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से 2 मनोनीत करते हैं, कुल 545। लेकिन 543 पे जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, जिसमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश, 13 में 6 दिल्ली से अकेले और 6 हो गए और बचे 7 बचेंगे ना, दिल्ली से 7 है, सॉरी, तो दिल्ली से 7 हैं और अन्य राज्यों से 6 मिला के कुल 13। दिल्ली से 7 अकेले हैं और 6 अन्य राज्यों से, 13 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जैसे पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, अंडमान निकोबार द्वीप से 1, ऐसे करके कुल 13 सांसद। और 2 आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय किसमें दिया है, अनुच्छेद 331 में, ठीक। तो इसका वर्णन किया गया, उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण देखा जाए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विधानसभा की लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा में है और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 31 हैं और पूरे देश में अगर देखा जाए तो 245 हैं, जिसमें से 233 का निर्वाचन होता है, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक, कला साहित्य के क्षेत्र में। और बाकी जो चीज़ छूटा है वो आगे हम लोग देख लेंगे। मिदातुल्ला इसमें नहीं दिया, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक होते हैं और ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और मनोहर पर्रिकर की भी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं 14वें जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, 14वें मुख्यमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। बस और कोई प्रश्न है क्या बताएं? आप कितने में से, आपको मैंने पूछा था आपको जवाब दीजिएगा, अभी बता देंगे, ठीक है। और चलिए, 1951 में हुआ था, हमने लिखा नहीं था क्या नवीन सूची में? नवीन सूची पढ़िए, नवीं जहाँ सूची होगा वहाँ लिखा होगा, ठीक। तो बस इसको आप देख लीजिएगा, अरे बहुत सारा संशोधन किया, अभी तक संशोधन हुआ, हाल ही में हुआ संशोधन, संविधान में बहुत सारे हुए हैं, ठीक। अभी 100वां संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, सब हाँ अभी देखेंगे। इसमें बड़े नियम कानून है, सबसे अच्छा 42वां संविधान संशोधन लिख लीजिएगा, जिसको लघु संविधान कहते हैं, लिख लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जी अरे इसमें बहुत अच्छी छूट गए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ये सब मिस मिलवा, ये सारी चीज़ें हम छोड़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो आपको उतना डीप में नहीं पढ़ा रहे वैसे, क्योंकि संविधान जब लिखा गया 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में तो फिर हाँ नहीं खत्म किया जाता है 4-5 महीने में, लेकिन फर्क इतना हाँ संशोधन भी होगा हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो और आसान से पढ़ेंगे, और कोई समस्या नहीं है ना। तो बस मैंने आपको संपूर्ण संविधान पढ़ने का पूरा प्रयास किया, कुछ चीज़ें छूट गई हो तो फिर हम अगली वीडियो में आएंगे लेकर। और लेकिन अब ये था, मैं संपूर्ण क्षेत्र को महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने का पूरा पूरा प्रयास किया ताकि आगे परीक्षा से कोई चीज़ वंचित ना होने पाए। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा उसका निर्वाचन होता है, उसके निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं और उसका अंतिम निर्णय है, अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय में होता, सर्वोच्च न्यायालय में होता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो, अन्य किसी के लिए होता है तो निर्वाचन आयोग ही निपटा देता है, ठीक। और वही भारत निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ही इनके कार्यों का निर्वहन करता है। और कुछ, और राष्ट्रपति संबंधित ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और अभी तो लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत दल के नेता को बुलाकर उसे प्रधानमंत्री बनाता है और अन्य मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री के सलाह पर शपथ दिलाता है, उनकी नियुक्ति भी करता है, उनके कार्यों को देखता भी रहता है, समीक्षा भी करता है और अभिभाषण देता रहता है, वो भी देखेंगे अभिभाषण कब कब होता है। हाँ क्या था, हाँ 52 था, 52 नहीं था, हाँ सर
अभी मोबाइल 49-50 में संविधान आया बनाया, ये 51 में दूसरा संशोधन था। फिर से देख लीजिए आपके पास मोबाइल है, 1950 संविधान ही आया, 51 में ही पहला संशोधन था ना। ठीक, आप लोग देख लीजिए, आप गूगल देता है। फिर भी आप सबको होली को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर हम वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरह पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मैंने क्योंकि रिवीजन करने का पूरा प्रयास किया ताकि परीक्षा में जो प्रश्न है वो बाहर ना जाने पाए। इसी के साथ पुनः आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित सर की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, उन्होंने हमें कहा कि आपके उनकी तरफ से भी दे दें। तो अमित सर और अमित सर के पूरे परिवार, हमारी पूरे परिवार और पूरी टीम की तरफ से और को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली को इतनी बेहतर बनाए कि अगली होली पे आप अपनी बुलंदियों को उतनी ऊंचाई पर हो कि जब भी आप देखें तो ये होली आपके लिए यादगार बन जाए और रंगों का जो उल्लास है आपके परिवार में और आपके समाज में इतनी खुशियां लेकर आए कि आप भी उसे संचित करने के लिए लगातार अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत।